मेरा एक दोस्त है, उसके पास जॉब है। हाँ, वो प्राइवेट जॉब करता है, होटल इंडस्ट्री में जॉब करता है। अच्छी सैलरी भी है उसकी और अच्छा खासा कमाता है, अच्छी जॉब भी है। फिर भी उसके बावजूद भी अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या रीज़न है उसके पीछे? और एज भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। जब ये बात मैंने उससे पूछी तो उसके मुंह से जो जवाब मैंने सुना, उसको सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। टाइटल और थंबनेल देखने के बाद काफ़ी लोग मेरे पे चढ़ाई करने की सोच रहे होंगे। बट पहले हम ये वीडियो देखते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। दहेज की डिमांड सबसे पहले कौन करता है, लड़का या लड़की? लड़की। लड़की कैसे? पहला पॉइंट तो आप ये समझो, क्या एक लड़की एक अनपढ़ लड़के से शादी करेगी? मेबी नहीं। नहीं करेगी ना? तो मैं बताती हूँ, एक लड़की दहेज मांगती है। कैसे? सबसे पहले लड़की लड़के में क्या देखती है कि उसकी वेल सेटल जॉब हो, एक अच्छी सैलरी हो, 1-1.5 लाख हो, उसका एक अपना खुद का घर हो, उसके बाद लड़का हैंडसम भी होना चाहिए। तो आप खुद बताओ कि लड़की पहले दहेज के लिए डिमांड नहीं कर रही है? ये भी तो एक दहेज ही हुआ ना। इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हो आप लोग? क्या ये बात कुछ परसेंट तक सही है और ये क्या ये बात हमारे उत्तराखंड में भी लागू है? अब कमेंट करके ज़रूर बताना इस बात को कि क्या ये बात हमारे उत्तराखंड में भी लागू हो रही है। इसी वजह से कहीं उत्तराखंड में शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही है लड़कों को। दोस्तों एक और वीडियो देख लेते हैं हम। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद जो डाउट्स हमारे दिमाग में है वो थोड़े से क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं हम आगे बात। जैसे कि आजकल दहेज पे बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, आप दहेज के अगेंस्ट हैं या फेवर में? मैं दहेज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर लड़कियाँ दहेज लेना छोड़ दे तो फिर ये क्या है? लड़के की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, लड़के पे गाड़ी होनी चाहिए, लड़के का अपना घर होना चाहिए, 1 लाख रुपए जेब में होना चाहिए हर महीने। ठीक है, लड़की हमें मिल जाएगा सरकारी नौकरी वाली, 1 लाख रुपए महीना कमाने वाली, मैं भी अपना घर छोड़ देता हूँ। मैं झाड़ू लगा लूंगा, पोछा लगा लूंगा, बर्तन धो लूंगा, बच्चों को स्कूल भी छोड़ जाऊंगा, रात को उसके पैर भी धो लूंगा। बताओ कर ले कोई हमसे शादी। दोस्तों क्या कहना चाहते हो आप इस वीडियो को देखने के बाद? क्या ये एक रियलिटी है या ये मात्र एक वीडियो है? ये आज के टाइम पे एक रियलिटी बनती सी दिख रही है मेरे को, वो भी उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पे इनडायरेक्टली लड़कियाँ भी दहेज लेना स्टार्ट कर रही है। बात तो सही है। है वो भी इस नाम पे, जैसा आपने इस वीडियो में देखा ही होगा, इसी नाम पे लड़कियाँ भी दहेज लेना स्टार्ट कर रही है। दोस्तों एक सवाल मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे उत्तराखंड में आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब या वेल सेटल जो लड़के हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है लड़कियों की तरफ से शादी के लिए, या इसके पीछे कुछ और बात है? जो लड़के वेल सेटल्ड हैं, कहीं बाहर रहते हैं या गाँव से सिटीज़ की तरफ रहते हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है आज के टाइम पर शादी के लिए, बजाय कि जो लड़के गांव में रह रहे हैं, चाहे वो अच्छी खासी इनकम भी करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कई लड़के ऐसे हैं जो इनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। बस उसके पीछे एक रीज़न है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अब देखिए एक बात मैं बता देता हूँ कि ये बिल्कुल हर माँ बाप या हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि जहाँ वो जाए शादी के बाद वो जो फैमिली है वो वेल सेटल्ड हो, सारी फैसिलिटीज़ उनके पास में हो और हर चीज़ की सुविधा हो, वहाँ पे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सब चीज़ आपको वहाँ पे मिले। पर अगर ये सब चीज़ नहीं मिल रही है तो क्या आप वहाँ पे शादी नहीं करोगे? या जो लड़के प्राइवेट जॉब वाले हैं या बेरोज़गार है आज के टाइम पे, क्या उन लोगों की शादी नहीं होगी? ये आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है हमारे उत्तराखंड का, और एक केवल उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड से बाहर भी यही हाल है आज के टाइम पे। और इतने सारे युवा हैं जो अभी के टाइम पे जिनको लड़की मिलना शादी के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और अगर गवर्नमेंट जॉब ही अगर लड़कियों की प्रायोरिटी है तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर और बेरोज़गार जो युवा है हमारे उत्तराखंड में, उनकी शादी नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब यही है। और इसी की वजह से आज के टाइम पे बहुत से ऐसी फैमिली है या ऐसे लड़के हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये
एक रियलिटी है उत्तराखंड की इस टाइम की बहुत बड़ी। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोगों के माइंड में जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे कि आखिर इसका रीज़न क्या है। इसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो लोग नहीं चाहते हैं पहाड़ों में रहना। हर कोई यही चाहता है हम वेल फैसिलिटेड एरिया में रहें जहाँ पे हर चीज़ की हमें फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन आज के टाइम पे पहाड़ों में भी हर चीज़ की सुख सुविधा मिल रही है। जॉब्स की थोड़ी दिक्कत है, वो बिल्कुल मैं उस चीज़ से सहमत हूँ, और मेडिकल के उसमें भी थोड़े से हम पहाड़ों में पीछे हैं, लेकिन जो रियल लाइफ एक पहाड़ों में है ना यार, वो बाहर सिटीज़ में आपको नहीं मिलने वाली है। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं पिछले 10 साल से अपने घर से बाहर हूँ, जॉब करता हूँ, लेकिन जो बाहर रहने में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो हम जानते हैं केवल। और उत्तराखंड में और अपने पहाड़ों में यार जो आनंद है, जो इन्वायरमेंट की जो खुशी है ना, वो हम जानते हैं उस बात को। हो सकता है जो पहाड़ में रह रहे हों वो लोग तो जानते ही होंगे इस बात को यार, और जो खास करके जो पहाड़ से बाहर रहते होंगे वो बिल्कुल इस बात को बहुत मिस करते हैं। सो अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं भी आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि अगर लड़कियाँ डिमांड करती है, या आई मीन डिमांड नहीं बोल सकते हम इस चीज़ को, या उनकी जो पसंद है वो ये है कि यार लड़का वेल सेटल्ड हो, अच्छी उसके पास जॉब हो, या हो सकता है पहाड़ों से बाहर या सिटीज एरिया में उनका अपना खुद का मकान हो, क्या ये सब चीज़ एक लड़का भी लड़की में ढूंढ सकता है? इस बात का ज़रूर आप लोग जवाब देना, क्योंकि ये एक सवाल रियल में बहुत बड़ा सवाल है। मैंने काफ़ी वीडियोस में भी ये चीज़ देखी है। तो ये क्या चीज़, ये इक्वल होना ज़रूरी है? जैसा लड़कियां सोचती हैं लड़कों के बारे में, क्या लड़कों को भी सोचना चाहिए लड़कियों के बारे में ऐसा ही, कि उसकी भी गवर्नमेंट जॉब हो, वो भी वेल सेटल्ड हो, कहीं पर अच्छा सा घर मिले उनको? देखो, कंपैरिजन अगर करना है तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, लड़की की तरफ से भी और लड़कों की तरफ से भी, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं है। फैक्ट की बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उत्तराखंड में अभी जो है 12.5% जो युवा हैं, जो यूथ है, वो बेरोज़गार हैं, और पूरे भारत में 44% युवा बेरोज़गार हैं। तो क्या इन लोगों की शादी नहीं होगी? अगर यही डिमांड या यही सोच, यही मेंटलिटी अगर लड़कियों के दिमाग में रही या माँ बाप के दिमाग में रही कि हमको गवर्नमेंट जॉब वाला ही लड़का चाहिए या वेल सेटल्ड लड़का ही चाहिए, तो क्या मतलब जो 12.5% जो युवा उत्तराखंड में हैं उनकी शादी नहीं होगी या उनको लड़कियाँ नहीं मिलेगी? क्या बोलते हो आप लोग दोस्तों इस बात को लेके? एक कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को ये बात, कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताना मेरे को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।